दिस इज ब्रिंदा फ्रॉम अर्बन खबरी टीवी और आज मैं आई हूँ सौराष्ट्र गुजरात के टूर में। हाँ, आज मैं आई हूँ सौराष्ट्र डाइनिंग हॉल के गुजराती थाली को टेस्ट करने। तो आइए मेरे साथ, देखते हैं कि सौराष्ट्र गुजरात की थाली में क्या नया है और क्या यूनिक है। एक बात और बता दूँ आपको कि सौराष्ट्र डाइनिंग हॉल की शुरुआत हुई थी 1988 से टाउन हॉल के सामने, बट अब उसका नया लोकेशन है इस्कॉन क्रॉस रोड के सामने रिवाक मॉल में। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस न्यू लोकेशन ऑफ सौराष्ट्र डाइनिंग हॉल विथ मी। अब बारी है मेरे खाना खाने की और अब मेरी थाली जो है वन बाय वन पूरी फिल होने वाली है। सो सबसे ये क्या है? कचौरी और ये है खांडवी सब्जी। काबुली चना की ये है काबुली चने की सब्जी। बटाका वटाना की सब्जी। फ्लावर टमाटर की सब्जी है। बैंगन का और ये है बैंगन का भरता। ये है फुलका रोटी विथ लॉट ऑफ घी। बाजरे का रोटला एंड फुल्ली घी वाली भाकरी। यम, उसमें और भी बहुत सारा घी। गुजराती दाल और अब है गुजराती कढ़ी। सीताफल बासुंदी। ओह वाओ, गुलाब जामुन। घी में लटपट गर्मा गर्म पूरन पूरी। छाछ, पापड़। थैंक यू। राइस, अभी बारी है राइस की। गुजराती खिचड़ी एंड घी। देखिए मेरी थाली तो रेडी हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग पीजीज में रहते हैं, जो लोग अपना घर का खाना मिस करते हैं, उनके लिए सौराष्ट्र डाइनिंग हॉल से पार्सल सर्विस भी अवेलेबल है। इफ़ यू कांट एंजॉय दिस थाली हियर, यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन दिस सौराष्ट्र डाइनिंग थाली। और मैं तो यहाँ पर आकर यहाँ की गुजराती ऑथेंटिक थाली एंजॉय कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑथेंटिक थाली। सबसे पहले मैं लूँगी ये खांडवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसके साथ मैंने ली है थोड़ी सी ग्रीन चटनी। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। खांडवी बनती है बहुत सारे रोल्स के साथ। उसको रोल करके के बेसन के आटे से बनती है। उसमें बहुत सारे मसाले हैं, उसमें बहुत सारे जीरा और मसाले के साथ उसको तड़का दिया गया है। और जो ये चटनी है उसके टेस्ट को बैलेंस करेगी, क्योंकि खांडवी यूजुअली माइल्ड होती है और ये चटनी उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है। और इसके साथ लुक एट दिस क्यूट कचौरी। ये है ग्रीन कचौरी जो कि तूर के दाल से बनती है और इसमें बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस भी डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये और इतने क्यूट है कि इसको पूरा ही मुंह में डाल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी रोटियाँ दी गई है। रोटी है, भाकरी है, फिर ये बाजरे का रोटला भी है। ऑन दिस द क्यूट स्वीट पूरन पूरी जिसमें बहुत सारा घी है। तो आज तो मेरी दावत है। और सौराष्ट्र के खाने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि घी का जो यूज़ होता है वो दिल खोलकर वो लोग डालते हैं। सारी ही चीज़ में घी है। खिचड़ी में घी है, रोटी में घी है, भाकरी में घी है, सब जगह में घी ही घी है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी खा रही हूँ मैं आज। तो मेन कोर्स से स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव दिस
डिलीशियस रोटी। ये है पोटैटो की सब्जी। टेस्ट काफी माइल्ड है। टोमेटो की प्यूरी की वजह से थोड़ा खट्टापन आ रहा है इसमें। नाउ आई विल हैव दिस भाखरी। देख सकते हैं बहुत सारा घी डाला है इसमें और ये काफ़ी थिक है, छोटी सी है लेकिन थिक है। यूजुअली भाखरी थिक होती है। इसको मैं ये जो बैंगन का भरता है उसके साथ उसको खाऊंगी। मैं घर पे बैंगन का भरता कभी नहीं खाती लेकिन मानना पड़ेगा आज मैंने आकर यहाँ पर ट्राई किया है और मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगा। और मैं शायद अपनी मम्मी को भी बोलना चाहूँगी कि देखो आज मैंने फर्स्ट टाइम बैंगन का भरता ट्राई किया है और मुझे सच में पसंद आया है। तो इट्स गुड। और इसके बाद ये देखिए बाजरे का रोटला, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और काठियावाड़ी और गुजराती क्यूजीन में बाजरे का रोटला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको मैं खाऊंगी कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी के साथ। मुझे एक्चुअली मिसमैच कॉम्बिनेशन पसंद है। एक्चुअली जो ये जो बाजरे का रोटला है वो जाता है बैंगन के भरते के साथ, लेकिन यहाँ पर मैंने भाकरी को बैंगन के भरते के साथ खाया है और बाजरे के रोटले को गोभी की सब्ज़ी के साथ। तो थोड़ा सा वियर्ड और मिसमैच कॉम्बिनेशन है लेकिन आई लाइक इन दैट वे। सो और मैं बता दूँ कि यहाँ पर सारी सब्जियों के जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा माइल्ड है और स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते तो ये फूड आपके लिए है, डेफिनेटली आपके लिए है। और ये अब बारी है ये स्वीट से क्यूट से पूरन पूरी की। तो ये जो पूरन पूरी है उसकी जो फिलिंग रहती है वो तूर दाल, केसर, इलायची और जैगरी से बनती है। और ये बहुत ज़्यादा स्वीट होती है लेकिन यूजुअली मैंने स्वीट देखी है। और इसमें बहुत सारा घी होता है और ये सच में ये बहुत हेल्दी होती है। तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी ये, क्योंकि ये किसी भी सब्ज़ी के साथ मैं इसको नहीं खाना चाहती। सैफ्रन, इलायची, गुड़, जैगरी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका और बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। सो इसका टेस्ट बहुत बैलेंस्ड है। और इसको वैसे भी अकेले खाया जाता है बहुत सारा घी के साथ। इट्स रियली हेल्दी और मेरे प्लेट में सारी ही चीज़ें इतनी हेल्दी है, कोई भी टेस्ट इतना बहुत टैंगी नहीं है, बहुत स्वीट नहीं है, बहुत स्पाइसी नहीं है। इट्स परफेक्ट। और अब बारी है गुजराती कढ़ी, गुजराती दाल, खिचड़ी एंड राइस की। दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे कोरिएंडर और करी लीव्स भी है। स्वीट है, थोड़ा सा खट्टापन भी है लेकिन दाल की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। इट्स अच्छी है राइस के साथ, मेरे को बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। गुजराती इसको दाल ज़्यादा स्वीट पसंद है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है। इट्स गुड। सो नाउ आई विल हैव दिस खिचड़ी, द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेवरेट कम्फर्ट फूड ऑफ द गुजराती। बहुत ज़्यादा लाइट है एंड द कम्फर्ट फूड मैंने आपको बताया। जैसे खिचड़ी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड यू नो मुंह में जैसे जाते ही सब घुल जाती है उसके फ्लेवर्स। उसमें बहुत ज़्यादा घी है तो अगर आप उसको ऐसे ही खाना चाहें तो आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। मैंने उसको कढ़ी के साथ टेस्ट किया, कढ़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी टैंगी फ्लेवर कर रही है, परफेक्ट। मैंने तो अपनी थाली की सारी ही चीज़ें टेस्ट कर ली लेकिन भाई डेजर्ट को कैसे भूल सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास है कस्टर्ड एप्पल बासुंदी और गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन को देख के तो मुंह में पानी आता ही है, मेरे मुंह में तो आ ही रहा है। तो अब बारी है इसको ट्राई करने की। इलायची, इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी है और बहुत क्रीमी फ्लेवर है, थोड़ी सी स्वीट है, ज़्यादा है, बट इट्स गुड। स्वीट लवर्स को ये पसंद आएगी। और अब बारी है मेरे फेवरेट गुलाब जामुन। एकदम रसदार गुलाब जामुन है एंड इट्स इलायची मेरे को दिख रही है इसमें। भाई मानना पड़ेगा गुलाब जामुन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सॉफ्ट, स्वीट, केसर और इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है मुंह में। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो पूरी ही थाली है पॉकेट फ्रेंडली थाली है, तो अगर आप इसको घर पे मंगवा के खाएं या फिर यहाँ पे आके खाएं और अगर आप घर का खाना मिस कर रहे हो तो ये थाली परफेक्ट है आपके लिए, जो कि आप सौराष्ट्र डाइनिंग हॉल में आकर इसको एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलिशियस थाली मेरे को यहाँ पे मिल रही है। तो मैं भाई क्यों मज़ा ना लूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे थोड़ा मिसमैच कॉम्बिनेशन पसंद है। तो अब मैं क्या करूँगी कि गुलाब जामुन को कस्टर्ड एप्पल वाली बासुंदी के साथ मिक्स करके खाऊँगी। थोड़ा वियर्ड लगता है राइट, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। स्वीटनेस का बॉम्ब फटा है मेरे मुंह में। दोनों ही चीज़, दोनों ही स्वीट्स को जब मैंने ब्लेंड किया तो स्वीट बॉम्ब मेरे मुंह में एक्सप्लोड हुआ है। बट ऐसे स्वीट लवर्स के लिए सच में ये चीज़ ट्राई करने जैसी है। तो एक बार शायद आप ट्राई कर सकते हैं कि बासुंदी और गुलाब जामुन को मिक्स करके खाना क्या होता है। गाइस मुझे भी अभी पता चला कि ये यहाँ की परंपरा है कि जो दादा है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था सौराष्ट्र डाइनिंग हॉल, वो यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं उनको प्यार से एक स्वीट ज़रूर खिलाते हैं और ये उनका प्यार है उनके कस्टमर्स की तरफ। तो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद दिस जेस्चर एंड इतने अच्छे पॉजिटिव वाइब्स वाले रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये पूरा खाना ख़त्म कर लूँ, उसके बाद दादाजी से रूबरू होते हैं। કેમ છો દાદા? બસ આનંદમય. તમારું નામ શું છે? મારું નામ વજુભાઈ લાડાણી. તમે સૌરાષ્ટ્ર ડાઇનિંગ હોલની શરૂઆત ક્યાંથી કરી? મેં 1988થી સૌરાષ્ટ્ર ડાઇનિંગ હોલની શરૂઆત કરી. એ વખતે અમદાવાદની અંદર ગુજરાતી થાળીમાં બહુ ઓછા જ હતા. મેં ચોખ્ખાકીની સ્વીટ સાથે શરૂઆત કરી. એ વખતે મેં ખાલી એક મહિનો 20 રૂપિયાનો ભાવ રાખ્યો હતો. આખા વર્ષની એવરેજ મારી એક દિવસની 495 ડીશની હતી. દરરોજ 100-200 ક્લાયન્ટ પાછા જતા હતા. એ પછી એક બીજો સામેનો ડાઇનિંગ હોલ લીધો મોટો. 2 ડાઇનિંગ હોલમાં મારે રોજ 1000 માણસ જમતા હતા. પછી મારવાડીઓને મેં ભાડે આપ્યું. મારવાડી જ્યાં જમવા જાય ને જે ક્લાયન્ટ જમવા જાય એ મને ક્યારેક ફોન કરીને ફરિયાદ કરે કે ભાઈ અમે જમવા ગયા ડાઇનિંગ હોલ પણ મજા ના આવી. પછી આ છોકરાઓને આ જગ્યા જોઈ અને ઈચ્છા થઈ કે ડાઇનિંગ હોલ કરવો છે એટલે અમે અહીં આવી ગયા. આ જગ્યામાં એક મહિનો આજે બરાબર પૂરો થયો છે. એક મહિના પછી હવે આગળ અમારે વધવાનું છે. મારે અહીંયા જે ક્લાયન્ટ જમી જાય છે એ ખુશખુશાલ થાય છે. મારી એક ખાસ ખાસિયત છે કે હું દરેક માણસ જમતા હોય એની સામે ઊભું છું, એને પ્રેમથી ખવડાવું છું. હું ગ્રાહકને હંમેશા ભગવાન માનું છું. તમે કયા વતનના છો?
જૂનાગઢ જિલ્લાનું કેશોદ મારું વતન છે. એ અમારી અહીંયા હોસ્ટેલ હતી, 500 છોકરાઓનું રેસિડન્ટ હતું. એમાં 15 વર્ષ સુધી કારોબારી સ્થાનિક કમિટી સંસ્થાનો સભ્ય હતો અને જ્યાં છોકરાઓની ઈચ્છા હોય એ હું બનાવીને ખવડાવતો હતો. મને બહુ ગમતું હતું. આ મારો કાયમનો શોખનો વિષય છે એટલે મેં આ લાઈન પકડી. ખૂબ આનંદ થયો તમારી સાથે વાત કરીને અને મને બી આજે અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર ડાઇનિંગ હોલમાં જમીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ દાદા. આજ ઇતની અચ્છી ઇતની સ્વાદિષ્ટ ગુજરાતી થાલી ખાકે તો બહોત મજા આ ગયા. ઓર આપ સોચ રહે હોંગે કે અબ મેરે હાથ મેં ક્યા હૈ, યે હૈ મુખવાસ પાન. યે ઇસકે અલાવા ઓર આપકો કહીં દેખને કો નહીં મિલેંગે. તો યે લોગ મુખવાસ ભી અગર ઘર મેં બનાતે હૈં તો યે બતાને કી મેરેકો જરૂરત નહીં હૈ કે યહાં કી સારી હી ચીઝે કિતની પ્યોર હોગી. યહાં કા ખાના ઇતના લાઇટ હૈ ઓર ઇતના શુદ્ધ હૈ કે આપ અપને આપકો લગેગા હી નહીં કે આપ કોઈ રેસ્ટોરન્ટ મેં બેઠી ખા રહે. યે બિલકુલ હી ઘર જૈસા ખાના હૈ. તો એન્જોય કીજે યહાં કી ગુજરાતી થાલી ઓર યે સ્વીટ મીઠા પાન મુખવાસ. ઓર ડો નોટ ફોલો ટુ લાઇક શેર એન્ડ કોમેન્ટ ટુ ધ વિડીયો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ અવર ચેનલ અર્બન કાબરી ટીવી. આઈ એમ બ્રિંદા એન્ડ આઈ એમ સાઇનિંગ ઓફ ફોર ટુડે. સી યા. ઓર યહાં પર મેં સૌરાષ્ટ્ર કે ટેસ્ટ કો. હલો હલો માઇક ટેસ્ટિંગ 1 2 3. હલો હલો કોઈ હૈ? કોઈ હૈ? હલો.